बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। मैं जा रहा हूँ खाते पे और हम बीजेंगे आज मकई। आपको दिखाएंगे हम मकई कैसे बीजते हैं। ट्रैक्टर वाले को मैंने फ़ोन कर दिया, ट्रैक्टर वाला अभी आने वाला है। अभी हम जा रहे हैं आते पे और वहाँ ज़मीन को तैयारी करवाएंगे और वहाँ मकई बीजेंगे। ट्रैक्टर अभी आ रहा है और मैं अभी जा रहा हूँ हाथ की तरफ। जब मैं आ रहा था तो वो ट्रैक्टर वाला भी साथ मुझे मिला था, वो आ रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ। अभी पंद्रह दिन हो गए हैं इस ज़मीन को पानी लगाए हुए, क्योंकि पत्थर बहुत लेट से आई है। पानी लगाने के दो दिन बाद ही बारिश हो गई थी और इसमें तकरीबन 1.5 फुट पानी खड़ा हो गया था। अभी 15 दिन के बाद ही जाके ये कुछ खुश्क हुई है और इसमें जो घास है अभी मैं वो ये जो घास है थोड़ा थोड़ा ये अभी मैं काट लूँगा। ट्रैक्टर भी आ चुका है और वो हल भी मार रहा है। देखें इसको हम हल की मदद से उगाएंगे, क्योंकि रूटर वाटर की मदद से पिछली दफ़ा भी हमने उगाई थी, ज्वार तो अच्छी नहीं हुई, इसलिए हम इस बार हल पतेड़े की मदद से मकई उगा रहे हैं। तो दो हल मारेगा, फिर इसमें हम बीज डालेंगे। बीज हमने मकई का बीज तकरीबन 1.5 घंटा भिगो के रखा था ताकि कुछ नरम हो जाए और ज़मीन में जल्दी उग जाए। घास में नहीं काट पाया क्योंकि इसको जल्दी से घर जाने की गाड़ी FFC में ठेके पर चलती है।
बीज हमने डाल दिया है। अब इसको हम पटड़ी की मदद से हल चलाएंगे। देखें बीज, देखते हैं कैसा होता है। आठ दिन के बाद पता चलेगा कि बीज कैसा होता है, अच्छा उगता है या नहीं उगता। ज़मीन को जो है हल पटोड़ा हमने लगा दिया है और अब 8 दिन के बाद पता चलेगा कि ये कैसी उगती है। देखेंगे वतर कुछ नरम तो थी, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, देखेंगे। आठ दिनों के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी मकई कैसी हुई है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी, दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।